स्वागत है आप सभी का आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, जो चैप्टर 3 है उसका अगला टॉपिक है दूरी, हमने पढ़ लिया था। अगला है विस्थापन, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को समझते हैं बेटा। विस्थापन किसी निश्चित दिशा में किसी समय अंतराल, वो समय अंतराल है में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कितनी, जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की लंबत दूरी होती है, सरल रेखी जो दूरी होती है, उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। अर्थात देखो, यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के मध्य न्यूनतम जो दूरी होती है वो दूरी कहलाती है विस्थापन। विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर नहीं करती, जबकि दूरी पथ पर निर्भर करती है और विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। आगे देखिए, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान रखें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। आगे देखिए, आपके पास है विस्थापन कैसी राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि थी और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। और इसका मात्रक जो है विस्थापन का वो होता है मीटर और दूरी का मात्रक भी मीटर। यानी कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो मुख्य रूप से अगर अंतर की बात करें तो विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि, पहला अंतर। दूसरा ये है कि वो पथ पर निर्भर करती है, ये पथ पर विस्थापन जो पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वो वास्तविक पथ की लंबाई है और ये है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो आपके पास। ठीक है, तो देखो एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है वो कैसे, इस बात को हम क्लियर करते हैं और आपको ध्यान से समझना है। हम एक उदाहरण ले रहे थे, दूरी में भी लिया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से बी तक चलता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, 4 मीटर की उसने दूरी तय की ए से बी, फिर उसके बाद बी से सी गया और उसने 3 मीटर की दूरी तय की, तो उसका विस्थापन हमें याद करना है। तो विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है न्यूनतम दूरी वही एसी है। एसी अगर हमें याद करना है तो एसी का जो सूत्र है वो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो उससे हम हल करेंगे, तो आधार स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, एसी आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि एसी आपके पास आ जाएगा 25 और 25 का होते 5, तो विस्थापन आ जाएगा यहाँ से 5 मीटर। ये दूरी क्या, ये जो आपके पास है एसी है वो कितना आ गया, 5 मीटर। इसका मतलब कोई व्यक्ति ए से बी जाता है 4 मीटर, बी से सी जाता है 3 मीटर, तो उसका विस्थापन जो है वो होगा 5 मीटर। जबकि दूरी क्या होगी, दूरी बेटा हमने कैलकुलेट कर ली थी, दूरी होगी 4 प्लस 3 यानी कि 7 मीटर। ठीक है, इसका मतलब दूरी और विस्थापन में एक चीज तो क्लियर होगी, दूरी हमेशा बड़ी या बराबर हो सकती है किसके, विस्थापन, या तो विस्थापन से बड़ी मिलेगी या फिर बराबर मिलेगी, कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी, एक और उदाहरण देख लेते हैं, वृत्ताकार पथ में गति में देख ले, तो वृत्ताकार पथ की गति में देखें तो विस्थापन क्या आएगा, वृत्ताकार पथ में जब गति होती है तो विस्थापन क्या होगा, तो मान लीजिए 8 त्रिज्या का कोई वृत्त है, ये 8 त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है, ये 8 त्रिज्या का वृत्त, और कोई व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है, 8 त्रिज्या का वृत्त, ए से चलना प्रारंभ किया, तो देखिए ए से चलना प्रारंभ किया और वापस ए पर ही पहुंच जाता है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा इसका, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो प्रारंभिक ए से शुरू किया, प्रारंभिक ए से और अंतिम भी ए पर ही है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। यानी कि वृत्ताकार पथ में अगर पूरा एक चक्कर लगता है तो विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा से आपके पास जो है वो मान आता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो है न्यूनतम दूरी। आगे देखें, अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त में मान लीजिए कोई ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और बी बिंदु पर पहुंचता है, तो विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन होगा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो विस्थापन हो जाएगा यहाँ से, ये दूरी 8 है तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो जाएगी 2R, तो विस्थापन हो जाएगा 2R, जबकि यहाँ दूरी क्या आ रही थी, दूरी आ रही थी पाई R,
प्रारंभ ऐसे किया और अंतिम बी पर है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, दूरी तो ये भी है लेकिन ये क्या है, न्यूनतम नहीं है, ये वक्राकार रूप में है, तो न्यूनतम जो दूरी होगी वो ये होगी और ये होगी 2r। ठीक है, तो इस तरह से वृत्ताकार पथ में, या फिर इसको अगर अपन दिशा के रूप में देखें, इधर पूरब होता है, मैंने कहा था याद कर लेना, यहाँ पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति 4 मीटर पूरब की ओर जाता है, 3 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उसका विस्थापन याद करो तो यही पोजिशन बनेगी सेम जैसे हमने कैलकुलेट इसको किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम विस्थापन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो हमारे वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।